अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ टेक्स्ट बुक इंग्लिश, ट्राई अगेन. ट्राई अगेन मीन दोबारा कोशिश. चैप्टर नंबर 3, ट्राई अगेन. ट्राई अगेन. दोबारा कोशिश. W.E. हिक्सन का लिखा हुआ ये चैप्टर है बेटा, ये एक पोएम है. तो इस पोएम को जब हम देखेंगे तो लर्निंग आउटकम्स, पहले तो हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि ट्राई अगेन जैसे हमारा टॉपिक है, ट्राई अगेन टाइटल है, उससे क्या हमें कुछ थोड़ा बहुत एहसास हो रहा है, रियलाइज़ कर रहा है ये टॉपिक. वो तो बेटा ये है कि ट्राई अगेन ऐसी स्टोरी है जो कि कोई भी काम करने से जब इंसान थक जाता है, हार जाता है, अपनी हिम्मत को डिसअपॉइंट हो जाता है, वो अपने इरादे को गिव अप कर देता है, तो फिर उसके बाद एक दोबारा से जो लगन और जज्बा और शौक से काम किया जाता है, उसी के ऊपर ये लिखा गया है ट्राई अगेन. क्योंकि वो हमें इस बात का दर्स देता है W.E. हिक्सन कि कभी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. एक दफ़ा एक काम नहीं होता तो दूसरी बार नहीं होता तो तीसरी बार. किंग रॉबर्ट ब्रूस ने पता नहीं कितने हमले किए थे, कितने दफ़ा मकड़ी को देखा था, एक दफ़ा थक हार के आ गया था. तो किंग ब्रूस एंड स्पाइडर, वो भी आपने स्पाइडर की कहानी भी सुनी होगी. उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर जो हमले थे वो भी आपने सुने होंगे. तो इसीलिए हमें अपनी कोशिश बार बार करते रहना चाहिए. एक दफ़ा नाकामी के बाद हमें हिम्मत नहीं हार जाना चाहिए. ओके, तो हमारा लर्निंग आउटकम्स है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लोकेट सैनोनिम्स इन द थिसारस. थिसारस में उनके सैनोनिम्स ढूंढ पाएंगे किन वर्ड्स के. इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री. ये 3 डिग्रीज इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एट्सेट्रा बहुत और भी होती हैं. इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस क्या होता है? विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. स्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. उसके बाद पैराफ्रेजिंग द समराइज द पोएम. एंड प्री रीडिंग में देखें, हैव यू रीड द स्टोरी किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर? यस, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस बारे में. व्हाट लेसन डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर? वो बादशाह किंग ब्रूस उस स्पाइडर से क्या सबक सीखता है? कि वो स्पाइडर जो था वो अपने जाले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, ऊपर चढ़ के फिर वो नीचे गिर जाता. तो उसने बार बार कोशिश की और एक दफ़ा वो ऐसा हुआ कि वो चढ़ने की कोशिश जो की वो चढ़ गया. तो ये बात होती है. तो व्हाट इज़ ट्राइंग अगेन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? ट्राइंग अगेन इन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ इतना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंसान एक ना एक दिन कामयाबी को छू लेता है, कामयाबी को पकड़ लेता है, सिर्फ और सिर्फ क्या? दोबारा कोशिश करने से. ओके, हम इस चैप्टर की तरफ आते हैं, रीडिंग की तरफ. टिज अ लेसन यू शुड हीड. टिज अ लेसन, टिज ये एक जर्मन इंग्लिश है तो ये दिस के मानी में यूज़ होती है. टिज अ लेसन, ये एक सबक यू शुड हीड, जिसमें आपको तवज्जो देनी चाहिए. हीड मीन अटेंशन, तवज्जो. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट, अगर आप पहली दफ़ा, यू डू नॉट सक्सीड, आप कामयाब नहीं हो सकते, क्वालिफाई नहीं कर सकते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. देन योर करेज, फिर आपका हौसला, पार शुड अपेयर. अपेयर मीन रिवील हो जाएगी, शो हो जाएगी. तो फिर आपका हौसला, आपकी पावर और आपका जो जुरत होगी वो सामने आनी चाहिए. फार इफ़ यू विल प्रिजर्वर. फार इफ़ यू विल प्रिजर्वर, अगर आप यहाँ तक के साबित कदम रहोगे, यू विल, फ्यूचर इनडेफिनाइट टेंस, यू विल कंकर, तो आप फतह हासिल कर लोगे. नेवर फेयर, बगैर किसी खौफ के. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. ओके, पैराग्राफ नंबर 2 है. वंस आर ट्वाइस
दो यू शुड फेल, एक दफ़ा या दो दफ़ा आप अगर नाकाम हो जाते हैं, इफ़ यू वुड एट लीस्ट एट लास्ट प्रिवेल, तुम ही आखिरकार गालिब आ जाओगे। प्रिवेल मीन ओवरकम, काबू कर लेना, गालिब आ जाना। उसके बाद यू विल कंकर, तो तुम सक्सेस, सॉरी ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करेंगे, स्ट्राइव मीन स्ट्रगल, कोशिश करेंगे, इट इज़ नो डिसग्रेस, तो ये कोई रुसवाई नहीं होगी। दो वी डिड नाट विन द रेस, अगरचे हम एक दौड़ नहीं जीत पाते, वट शुड यू डू इन दैट केस, इस मामले में तुम्हें क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3 एंड लास्ट देखें। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम अपना काम को ज़रा मुश्किल पाते हो, टास्क मीन ड्यूटी, वर्क, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, टाइम विल ब्रिंग यू, टाइम, वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा इनाम सिला ज़रूर देगा, लाएगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, फोक मीन पीपल, लोग, ऑल दैट ये सब कुछ के अदर फोक कैन डू के दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई, क्यों, विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो क्यों आप इस सब्र के साथ नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते, अगर ये काम दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप कहीं क्यों नहीं कर सकते। Only keep this rule in view, सिर्फ और सिर्फ ये कायदा, ये कानून अपने व्यू में रखें, नज़र में रखें। Try again, दोबारा कोशिश करें। W. E. Hickson, ये W. E. Hickson की लिखी हुई पोइम है। तो try again का मतलब, जैसा कि हमें चैप्टर में, अब हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली है, तो स्टोरी में हमें ये शो हो रहा है, इस पोइम में सॉरी, ये शो हो रहा है कि अगर कोई बंदा एक दफ़ा कामयाब नहीं हो पाता, दूसरी दफ़ा कामयाब नहीं हो पाता, तीसरी दफ़ा कामयाब नहीं हो पाता, तो उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसे अपनी हरकत, अपने जज्बात को मज़ीद कंटिन्यू रखना चाहिए, जारी रखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन अल्लाह ताला उस बंदे को ज़रूर कामयाब कर देता है। जो अपने हिम्मत नहीं हारता, जो जज्बे के साथ काम नहीं करता, अल्लाह ताला एक ना एक दिन, और हमेशा याद रखो, अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों के साथ, मेहनत करने वालों के साथ और काम करने वालों के साथ है। ठीक है, तो अब इसका थीम ज़रा पढ़ लेते हैं। द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इखलाकी तौर पर, कहनाती तौर पर है। द पोएट सेज, शायर कहता है, दैट व्हेन द वर्ल्ड सेज, कि जब दुनिया तुमसे कहती है गिव अप, छोड़ दो, तर्क कर दो, होप विस्पर्स, तुम्हारी उम्मीदें सरगोशियां करती हैं, ट्राई इट वन मोर टाइम, तुम्हारी जो उम्मीदें होती हैं कहते हैं एक दफ़ा तो दोबारा कोशिश कर लेते हैं। द रोड इज टू सक्सेस इज डॉटेड, द रोड इज सक्सेस इज डॉटेड विद मैनी टेम्पटिंग पार्किंग प्लेस, तो ये जो कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी का रोड है, सड़क है, ये बहुत से उभरी हुई पुरकशिश चीज़ों से, पार्किंग प्लेसेस से जुड़ी हुई होती है। सो यू शुड कीप अप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस द रोड, तो आपको ये रोड क्रॉस करने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर कामयाब करना चाहिए। वोकैबलरी पे देख लेते हैं। राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके आपने गिवन वर्ड्स के आपने मीनिंग लिखने हैं। जैसा कि हीड होता है, हीड का मतलब उर्दू में होता है तवज्जो, अटेंशन, उसके बाद प्रिजर्वर होता है, प्रिजर्वर मान्य होता है कोशिशें जारी रखना, कंटिन्यू योर स्ट्रगल, उसके बाद है स्ट्राइव,
स्ट्राइव मीन कोशिश, अटेम्प्ट। उसके बाद केस, मामला, मैटर। उसके बाद है पेशियंस, सबर, बर्दाश्त, टॉलरेंस। ये आपके हैं बेटा वर्ड मीनिंग्स। उसके बाद बी ऑप्शन देखें, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एज वी नो दैट सिनोनिम्स इज टू डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स इज कॉल्ड सिनोनिम्स। तो करेज, करेज मीन जुरत, तो बोल्डनेस, जुरत। उसके बाद है कनकेयर, कनकेयर मनी होता है फत्ता, विक्ट्री। या ओवरकम, उसके बाद है डिसग्रेस, डिसग्रेस बेइज्जती। इंसल्ट, उसके बाद है हार्ड, मुश्किल, डिफिकल्ट। उसके बाद है रिवॉर्ड, प्राइज, इनाम। तो बेटा ये हमारे पास बी ऑप्शन हो गया। आगे रीडिंग कंप्रीहेंशन, व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो हम इसके लिए जरा ब्राइट को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है बेटा ब्राइट में वो बाकियों की निस्बत, तमाम बुक्स की निस्बत जरा अच्छे लिखे हुए हैं, इसलिए हम ब्राइट को फोकस करते हैं। तो व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, द फर्स्ट स्टैंजा tells us that if you keep working steadfastly you will certainly succeed, if you we fail we should try again। agar hum kamyab hone ke liye koshishe jari rakhenge to ye hamare liye behtar hoga। to what can we learn from failure, hame nakami se kya seekhna chahiye। nakami se hame na umeed nahi hona chahiye, disappointed nahi hona chahiye, हमें मज़ीद अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए जो कि मज़ीद आगे जाके काम करे और हमें उस नाकामी से महफूज रखे। हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, नाकामी किस तरह रसवाई नहीं। हाँ ये बहुत बड़ी बात है। इफ़ वी ट्राई अगेन आफ्टर फेलियर, अगर हम नाकामी के बाद दोबारा कोशिश जारी रखेंगे, वी सक्सीड एट लास्ट, आखिरकार हम कामयाब हो जाएंगे। सो फेलियर इज नॉट अ डिस्ग्रेस, तो नाकामी एक डिस्ग्रेस नहीं है, एक रुसवाई नहीं है। तो हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, तो कितने दफ़ा हमें ट्राई करनी चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और क्यों। तो उस वक्त तक हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए जब तक कामयाबी हमारा मुकद्दर नहीं बन जाती, कामयाबी हमारा नसीब नहीं बन जाती।
तो वी शुड कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन अंटिल वी सक्सीड. इट इज बिकॉज फेल्योर इज नॉट डिसग्रेस. वट शुड वी डू इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड. हमें क्या करना चाहिए जब हमें हमारा काम थोड़ा मुश्किल लगना चाहिए. तो इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन विद पेशियंस. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ. अपनी जिंदगी से कोशिश की कोई मिसाल देंगे, आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं जी. तो इसके साथ साथ हम आपको समरी का जरा बताते चलते हैं. समरी हमारे पास जो ट्राई अगेन के लिए है वो हमारे नेक्सस स्कूल ने एक अच्छे पेपर प्रिंट करवाए हुए हैं, जिससे मैं भी आपको वहीं से पढ़ाता हूँ और आपने भी कोशिश करनी है. मैं आपको इसकी पिक्स आपको भेज दूँगा तो आपने भी उसी को ही करनी है, वो बेहतर होगा. बाकी ये ब्राइट में ज़रा समरीज बहुत कम हो जाती हैं तो उससे बेहतर है कि कुछ समरी एटलीस्ट एक सफ़े से तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए. तो W.E. Hickson ट्राई समरी आप अपनी खुद भी बना सकते हैं. आप अगर ग्रामर पे मुकम्मल तौर पर फोकस है आपका, आप मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर ग्रिप रखते हैं ग्रामर के ऊपर, तो समरी बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है. जैसे स्टोरी कोई भी आप सुनेंगे उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में समराइज करके अपने अकॉर्डिंग टू योर माइंड आप अगर उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो वो समरी बन जाती है, ठीक है. लेकिन आप कोशिश करें कि बजाय इसके अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हम राइटर के ऊपर फोकस करते हैं, एक दो लाइन या तीन लाइन उसके राइटर के ऊपर लिख देते हैं कि राइटर का बैकग्राउंड क्या था, राइटर कहाँ से बिलोंग करता था. क्योंकि हर एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए हमें जैसे कि उसकी कंपनी का नाम लिखना ज़रूरी पड़ जाता है, इसलिए राइटर भी अपना नाम उनका शो करना उनका हक है. ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं ऐड करते, ये बेटा उनका हक है क्योंकि उन्होंने ये मेहनतें की हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है. अगर ये हमारे निसाब में हमारे सब्जेक्ट्स में ये अगर स्टोरीज़ पोइम्स आ गई हैं तो आखिर जिसकी लिखी हुई हैं उनका तो देखें ना आप. तो इसलिए उनका थोड़ा बहुत जिक्र ज़रूर कर दिया करें. W.E. Hickson कामनली नाउन एज रिच मैन हॉब्सन. कामनली क्या जाना जाता था, रिच मैन हॉब्सन. Having studied schools in the Netherlands and Germany, जर्मनी और नैदरलैंड के स्कूलों में तालीम हासिल करने के बाद ही रिटायर्ड फ्राम द फैमिली बिजनेस इन 1840 टू कंसनट्रेट इन फिलानथ्रॉफिक परस्वीट्स. तो अपने जिंदगी से अपनी ज़िंदगी को अपने फैमिली से बिजनेस मैन बनने के लिए 1840 में उसने मुकम्मल तौर पर फिलानथ्रॉफिक के लिए तवज्जो देना शुरू कर दी. पर्टिकुलरली द काज ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, आमतौर पर जो उसका वजह थी वो एलिमेंट्री एजुकेशन थी. वहाँ पे उनके अराउंड अबाउट कोई एलिमेंट्री स्कूल नहीं हुआ करता होगा शायद. ट्राई अगेन इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम. ट्राई अगेन इस पोएम का जो मैसेज है वो है ट्राई अगेन. वी मस्ट ऑलवेज कीप दिस मैसेज इन माइंड. हमें ज़रूर ये मैसेज अपने दिमाग में फिट कर देना चाहिए कि इफ़ बाय सम अनलकी चांस, अगर किसी गैर लकी चांस के होते हुए या बदनसीबी के कुछ मौाक़ों की खातिर वी फेल इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट, हम अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. हमें कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, ठीक है, मायूस नहीं होना चाहिए. वी मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट दैट, हमें ज़रूर उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि वी हैव करेज, हमें हौसला होना चाहिए या हमें अपना अंदर हौसला पैदा करना चाहिए टू बेयर द लॉस, नुकसान को बर्दाश्त करने का. तो नुकसान को बर्दाश्त करने का हमारे अंदर एक हौसला होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए. देन वी शुड कम फॉरवर्ड विद अ फ्यू डिटर्मिनेशंस. हमें फिर कुछ मुख्तलिफ सिमत की तरफ हमें मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ कोशिशें करनी जारी रखनी चाहिए. वी मस्ट वैलिडेट, हमें उसका ज़रूर जायज़ ठहराना चाहिए दैट वर्किंग इज़ नॉट अ शेमफुल एक्ट, कि काम करना कोई शर्मिंदगी का अमल नहीं है, बार बार कोशिश करते रहना कोई शर्मिंदगी का अलम नहीं है. इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करेंगे, इट इज़ अ नो डिसग्रेस, तो इसमें कोई रुसवाई नहीं है. दो वी डिड नॉट
विन द रेस, अगरचे हम कोई दौड़ नहीं जीत सकते, what should you do इन दैट केस, तो हमें फिर इस हालत में क्या करना चाहिए, ट्राई अगेन। तो बेटा देखें, ट्राई अगेन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में है। अगर आप कहीं खेल के मैदानों में देखें तो एक दफ़ा नाकामी, उसके बाद वो दोबारा कोशिश करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। अगर आप अपनी स्टडी के मामले में देखें तो कोई ऐसी चीज़ आपको, आप उनको ओवरकम नहीं कर पाते, लेकिन अपनी ट्राई करते 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 एक दिन आप उसको कामयाब कर लेते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, अगर जब तक हम अपने उसके जज्बे के साथ, लगन के साथ, हिम्मत के साथ, सब्र के साथ, सारे इन ईगो को मद्देनज़र रखते हुए जब तक हम अपना काम जारी नहीं रखेंगे, कभी कामयाब नहीं हो सकते। बर्दाश्त और सब्र भी होना चाहिए, क्योंकि लोग इधर उधर वाले बहुत पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट मारते हैं कि फलां बात ये है, वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, ये ना हो चाह, लेकिन हमने उस वक्त डेफ हो जाना चाहिए, हमें उस वक्त बहरे हो जाना है और जस्ट अपने काम के ऊपर फोकस करनी है। और काम जब दोबारा कोशिश करेंगे एक दिन, अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी मेहनत का सिला नहीं रखता होता। वी शुड बी स्टेडफास्ट इन आवर एफर्ट्स विदाउट एनी फियर आर वरी, हमें बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी खौफ के अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। इफ़ वी डू सो, अगर हम ऐसा करेंगे, वी आर बाउंड टू सक्सीड, तो कामयाबी हमारे बाउंड हो जाएगी, कामयाबी हमारा एक निस्बुल ऐन बन जाएगा। Thus we should never ignore the lesson, try again. So हम ये जो हमारा सबक है try again का, इसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। If you feel that you cannot do your job in one effort, अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपनी जॉब, अपना वर्क एक एफर्ट में नहीं कर सकते, make another one then, तो फिर एक कोशिश और करें। There will be a time when you will enjoy the fruit of your labor, तो उस वक्त आपके पास टाइम होगा कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने लेबर को इंजॉय करके आप वो काम फोकस कर सकते हैं। What you need, तुम्हें क्या ज़रूरत है to do, करने के लिए, is to keep on working, काम जारी रखने के लिए तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। You must know, तुम्हें ज़रूर जान जाना चाहिए, that if all people can do their job, कि अगर तमाम बंदे, तमाम तर लोग अपनी जॉब करना चाहें, You can also do yours, तो तुम भी अपनी जॉब कर सकते हो। What you need, तुम्हें क्या ज़रूरत है, is to be persistent in making your efforts, अपनी कोशिशों को जारी करने के लिए, तय करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है। The only thing, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ you must keep in mind, अपने दिमाग में कर रखें, is that कि you should never get disappointed, कि तुम्हें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी एक गुनाह है। एक दफ़ा मायूसी से बेहतर है कि आप दोबारा कोशिश कर लें। अल्लाह ताला तो कभी कामयाबी, किसी की भी कामयाबी के बगैर अल्लाह ताला नहीं रख सकता, क्योंकि वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। और फिर अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि मैं हर बंदे को उसकी मेहनत का सिला ज़रूर दूंगा। यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू वर्किंग टिल यू सक्सीड, तुम्हें उस वक्त तक अपना काम जारी रखना चाहिए जब तक आप कामयाब नहीं होते। हिक्सन इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द प्रोवर्ब, उसने एक ज़रबुल मिसल लिखी है। कौन सी? उस ज़रबुल मिसल हिक्सन की जो है, उसमें इट इज़ अ लेसन यू शुड हीड, ये सबक जिसका तुम्हें सामना करना है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, ठीक है। If at first you do not succeed, अगर first पहली दफ़ा आप अगर कामयाब नहीं हो सकते, try again, कोशिश दोबारा, बार बार कोशिश करते रहें। Okay, this is our topic of today, तो ये summary है। summary की मैं आपको इंशाल्लाह पिक्स सेंड कर देता हूँ, तो आपने ये summary भी करनी है और इसको लिखना भी है। ये आपका रिटर्न वर्क के तौर पर भी है, और जो वर्क ये मैंने आपको वर्ड सैनोनिम्स के तौर पर दिए हैं, ये भी आपने, आपका होमवर्क के तौर पर है और लर्न भी करना है, और उसके बाद जो वर्ड मीनिंग है ये भी। आज के लिए इतना ही लेसन काफ़ी है, तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा।